मांगाथा ने विधानसभा में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को जनता का मिला अच्छा प्रतिसाद। मांगाथा ने विधानसभा क्षेत्र में शाखा क्रमांक 3, 4, 5 के नागरिकों हेतु प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ दिलवाने के लिए विशेष कैंप का आयोजन बाला साहेबाची शिवसेना के विधायक प्रकाश दादा सुर्वे के प्रयास से किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचकर स्वनिधि योजना का फॉर्म भरा। जल्द ही सबको उक्त योजना की लाभ राशि सबके खाता में उपलब्ध होगी, ऐसी बात प्रकाश दादा सुर्वे ने कही है। स्वनिधि योजना के अंतर्गत मेरे मत्ता क्षेत्र में हर जगह जगह पर मैंने ऐसे कैंप लगाए हैं। उसमें गरीब गरजू लोगों को जो व्यवसाय करना चाहते हैं उनके पास पैसा नहीं है, उनको 10,000 रुपया दिया जाएगा और हर महीना उन्होंने 700 रुपया भरना, कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। और ये रकम पूरी वो भरने के बाद उनको और उसका डबल कर्जा दिया जाएगा उनको उद्योग धंधा करने के लिए, ताकि खुद आत्मनिर्भर बने, किसके ऊपर डिपेंड ना रहे। इसके लिए बहुत अच्छी योजना पंतप्रधान जी ने देश में लाई है, उसके अंतर्गत हम काफ़ी लोगों को भला कर रहे हैं। दादा, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे लोगों को तक ये खाते में पहुंचेगा? उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आएगा। जैसा किसान उनको 2,000 रुपया हर साल पंतप्रधान योजना के अंतर्गत आता है, वैसा उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा होगा बैंक के थ्रू। 10,000 महीनों के बाद भी उनको कितना रकम मिला जाएगा? उन्होंने अगर पूरा कर्जा पेड रिटर्न कर दिया तो उससे उनको 50,000 तक वापस दूसरा कर्जा नया दिया जाएगा। अगर वो भी उन्होंने फेड़ा तो उससे आगे और कर्जा उनको दिया जाएगा। आपके विधानसभा में लगभग कितने लोगों को लाभ मिल सकता है? मेरे ख्याल से 4-12 नंबर में रखा है, उसके बाद 24-25 नंबर में रखा है। हर जगह मैंने गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले ऐसे में कोशिश। स्वनिधि योजना में अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो क्या उन 5 लोगों में सभी को मिलेगा? नहीं, परिवार में एक जन को ही मिलेगा, वो व्यवसाय करके वो आत्मनिर्भर अपना परिवार चला सकते। कर्ज लेने वाले ने अगर कर्ज नहीं पेड़ा तो उस पर क्या कार्रवाई किया जाएगी, किस तरीके से? ऐसा उनका अकाउंट अभी आधार कार्ड से सबके बैंक अकाउंट कनेक्टेड है, उनके बैंक से पैसा कट किया जाएगा।